हरदोई के लोनार बावन में 2 साल की हमजा ने निकली सोने की अंगूठी। जिला अस्पताल में तैनात सर्जन ने निकाली अंगूठी। हरदोई के लोनार क्षेत्र के बावन कस्बे के निवासी हफीज की 2 साल की बच्ची हमजा खेल रही थी, तभी उसने एक सोने की बड़ी अंगूठी को मुंह में डाल लिया। वह अंगूठी निगल गई जो उसके गले में जाकर अटक गई। परिजनों ने जब देखा तो वह घबरा गए। परिजन उसे बावन के ही एक निजी चिकित्सालय में लेकर के गए। एक्सरे कराया गया तो बच्ची के गले में अंगूठी फंसी नजर आई। इसके बाद परिजनों को लखनऊ ले जाकर तुरंत ही बच्ची के ऑपरेशन की डॉक्टरों ने सलाह दी। बच्ची की हालत देखकर घबराए परिजन लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गए। लखनऊ निकलने से पहले उन्होंने जिला अस्पताल में पहुंचकर बच्ची को दिखाया, जहां पर सर्जन विवेक सिंह ने डॉक्टर स्नेहा के साथ में मिलकर बच्ची को देखा और उसे भर्ती कर लिया। दोनों डॉक्टरों ने काफी मशक्कत करने के बाद दूरबीन विधि से बच्ची के गले में फंसी सोने की अंगूठी को गले से बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने बिना किसी ऑपरेशन ही यह कर दिखाया, जिसके बाद हर कोई डॉक्टरों की तारीफ कर रहा है और परिजन धन्यवाद देते नहीं चूक रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है डॉक्टर का। हमजा नाम का बच्चा था, 2 साल का, और वो लोनार कोई एक क्षेत्र है बावन में, हरदोई में ही, तो वहाँ का वो रहने वाला था, निवासी था। तो उसने अंगूठी खा ली थी और वो अंगूठी उसके गले में जाकर के अटक गई। तो उसको किसी ने लखनऊ जाने के लिए रेफ़र कर दिया था, लेकिन वो मेरे पास आया तो मैंने उसको इमरजेंसी में एडमिट किया और तुरंत ही एनेस्थेटिस्ट हैं हमारी डॉक्टर स्नेहा, उनसे बात किया, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ और उस बच्चे को तुरंत ऊटी में ले जा करके हमने दूरबीन विधि द्वारा उसकी जो है जो भी अंगूठी फंसी थी उसको निकाला और उसके बाद बच्चा एकदम स्वस्थ था। और अच्छी बात ये रही कि खाने की जो नली थी जहाँ पे ये अंगूठी फंसी थी उसमें भी कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद हमने बच्चे को नली डाल दी थी खाने पीने की नाक के थ्रू। उसके बाद जब बच्चा ठीक रहा एकदम, 24 घंटे हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, बच्चा एकदम ठीक था, तो आज सुबह ही हमने उसको डिस्चार्ज किया। फिर क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर विवेक सिंह।